नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आदेश जारी किया था कि प्रदेश में अब कहीं भी खुले में मछली, मुर्गा, मीट की बिक्री नहीं की जा सकती। आदेश आने के साथ ही जिला प्रशासन ने उन सभी दुकानें को बंद करवा दिया जो बाजारों में संचालित थी और खुले में मांस मछली बेचने का कार्य कर रही थी। शहर भर में संचालित मछली व्यवसायियों को नगर निगम ने अलग मार्केट बना कर दिया जहां वो अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी शहर के व्यस्ततम इलाके में एक मछली की दुकान संचालित है जो विभाग द्वारा ही संचालित कराई जा रही है। शहर के वेंकट टाकीज के पास कियोस्क सेंटर मछली विक्रय केंद्र खुला है जो बिना किसी रोक टोक के संचालित हो रहा है। दुकानदार संचालक का कहना है कि उसके द्वारा नियमों के साथ मछली बिक्री की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जिन मछली व्यवसायियों को प्रशासन ने खदेड़ कर भीड़ भाड़ वाली जगह से भगा दिया और अलग मार्केट बनाकर शिफ्ट कर दिया, क्या वो अपनी दुकानें नियमों के साथ पुराने ही स्थान पर संचालित नहीं कर सकते थे? आखिर प्रशासन दो तरह के नियम क्यों बना रखा है? एक तरफ बीच बाजार मछली विक्रय केंद्र संचालित है जिस पर कोई रोक टोक नहीं, और दूसरी तरफ गरीब मछली दुकानदार जिन्हें मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देकर भगा दिया गया। क्या नाम से दुकान संचालित था यहाँ पर? कियोस्क सेंटर है, कालीचरण केवट के नाम से। कब से संचालित है ये? हम लोग लगभग 20-25 साल पुरानी दुकान है हमारी। सिविल लाइन थाने के बगल मछली मार्केट की दुकान है, वहाँ पर सभी शहरवासी मछली की दुकान लाएंगे। शहर में खुलेआम दुकान संचालित नहीं होगी? नहीं, खुले में कहाँ है सर, खुले में नहीं है, सब अपना व्यवस्थित है और शासन की तरफ से जो हमको दिया गया है यहाँ पे खोलने के लिए मछली विभाग के द्वारा कियोस्क सेंटर, उस पर हम विधिवत व्यवस्थित रूप से बिक्री करते हैं। जी सर, जब वहाँ पे दिया गया है नहीं, क्या है कि मछली विभाग के जो योजनाएं रहती हैं शहर में, जो केवट कुछ गरीब लोगों को देने के लिए, अरे सर कट करिए उसको, तो प्रशासन ने ही एक मार्केट बना के रखी है। हाँ, तो मतलब एक तरफ दुकान खुलवाया गया, मार्केट बना दी गई, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पे मतलब आदेश दिया गया है? नहीं नहीं, की तरफ बोला गया है कि आप लोग यहाँ नहीं, मछली विभाग की तरफ से जो योजनाएं रहती है उस योजना के अंतर्गत दुकान खुली हुई है। योजना के अंतर्गत तो दुकान खुली है, लेकिन शहर के अंदर खुली मछली मार्केट नगर नियम के द्वारा बनाया गया है। मछली मार्केट भी जो है शहर के अंदर ही है। कहाँ पर है? आपके यहीं एसपी ऑफिस के बगल, वहाँ पे है सभी मछली की दुकानें, वहाँ पे लग रही है आपकी दुकानें। कियोस्क सेंटर के जो योजनाएं रहती है शासन की, उस हिसाब से काम चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम गोपीनाथ केवट।